लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने बड़ी जोर से कहा अब की बार 400 पार। वहीं राहुल गांधी ने भी न्याय यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश की। तो राजस्थान में बीजेपी ने शोर किया मिशन 25 का, लेकिन राजस्थान की 25 सीटों में से 12 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर और जयपुर ग्रामीण शामिल है, जिसमें लगभग 60% मतदान हुआ है। वहीं बीजेपी ने राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वहीं पर मोदी और अमित शाह ने लोगों को हर तरह के मंत्र से साधने की भी कोशिश की, जिसके लिए मोदी और अमित शाह ने राजस्थान में लगभग 11 से 12 बार रोड शो किया। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी करीब इतने ही दौरे किए। जहां मोदी और अमित शाह ने राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस ने भी युवा चेहरों को मैदान में उतार कर दांव खेला। लेकिन राजस्थान में आमतौर पर रिवाज है कि विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो राज्य सरकार को टेंशन हो जाती है, वहीं लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो भाजपा को फायदा होता है। ऐसे में इस बार पहले चरण की सीटों पर कम वोटिंग ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, यानी एक बार अब भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जीत हार का असल खेल वोट शेयर के आंकड़ों में छिपा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 24% का अंतर रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस जीरो पर अटकी रही। लेकिन पहले चरण में सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जयपुर ग्रामीण, इन 5 सीटों पर पेच अटका हुआ है। इन्हीं 5 सीटों ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि यदि बीजेपी 25 में से 5 सीटें भी खो देती है तो राजस्थान में मिशन 25 तो फेल होगा ही और मोदी का 400 पार का नारा भी खत्म हो जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी मीडिया।